नमस्कार दोस्तों, वी हेल्प ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत वर्मा। आज चलिए बात करेंगे जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप को कैसे डाउनलोड करें और उसे कैसे चलाएं। तो जूम ऐप जो आजकल तेज़ी से प्रचलित हो रहा है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारी प्ले स्टोर पर। कोई भी सिक्योर ऐप हम प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करेंगे और प्ले स्टोर पर जाके हम टाइप करेंगे जूम ऐप। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने जूम ऐप टाइप किया। इसके बाद ये जूम ऐप का जूम क्लाउड ऐप जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से इसे आप अब आप ओपन के ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ डायरेक्टली ओपन पे मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि जूम ऐप एक सिक्योर ऐप है। लोग कहते हैं सिक्योर नहीं है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से इसे सिक्योर बना सकते हैं। तो कुछ सेटिंग बदल के आप जा सकते हैं। यहाँ पर ओपन का बटन है, इस ओपन के बटन पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे जूम के इंटरफेस पे, जहाँ से आप मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जूम ऐप, और यहाँ पर मैं मेरी आइडेंटिटी को थोड़ा सा ब्राइट नहीं किया है ताकि उसकी सिक्योरिटी है बनी रहे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है न्यू मीटिंग, ज्वाइन और शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। तो आप यहाँ पर जो इन चारों ऑप्शंस हैं, इन पर ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इन चारों ऑप्शंस का यूज़ करके ही जूम के मीटिंग में चैट कर सकते हैं या मीट कर सकते हैं। जूम एक अच्छा ऐप है, इसके थ्रू आप वीडियो चैट, वीडियो मीटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल टीचिंग भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगला जो ज्वाइनिंग का, इसमें यहाँ पर मीटिंग आईडी मांगा जाता है। तो मीटिंग आईडी वह होता है जो आपके होस्ट ने आपको लिंक के द्वारा भेजा होता है या SMS के द्वारा आपको मिला है। उस मीटिंग आईडी को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। मीटिंग आईडी मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो मीटिंग आईडी है वो एक सैम्पल है, ताकि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर सकूँ। जैसे ही आपको जो आपका होस्ट मीटिंग आईडी देगा, आपको उसी को डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करना है या उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ नीचे डोंट कनेक्ट टू ऑडियो और टर्न ऑफ माई वीडियो, इस तरीके के ये दो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ज्वाइन मीटिंग के नीचे आपको यहाँ दिखाई देंगे डोंट कनेक्ट टू ऑडियो एंड टर्न ऑफ माई वीडियो। आप चाहें तो यहाँ से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका वीडियो वहाँ दिखाई नहीं देगा और आपकी ऑडियो भी वहाँ सुनाई नहीं देगी। तो मैं यहाँ पर चालू कर लूँगा और मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि इससे चालू करने से आपकी वीडियो और ऑडियो आप ऑडियोबल हो जाएंगे और आपकी वीडियो वहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए मेन बटन पे क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पर से हम चले जाएंगे, आपके जो होस्ट ने मीटिंग के लिए आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन यहाँ मेरा कोई होस्ट नहीं है क्योंकि मेरा मीटिंग ऑलरेडी ओवर हो चुका था। तो जो मैंने आईडी डाला था वो इनवैलिड कहलाएगा, लेकिन आपका जो होस्ट होगा जो आपको लिंक देगा, उसके थ्रू आप जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका आईडी वैलिड हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बाद में इसकी जो डिटेल्स हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिख के दें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वी हेल्प में।